गुजारिश यह है कि पाकिस्तान में नाबीनाओं की तादाद तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें कोई 3 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको जो हम सुनते हैं ना आँख की तब्दीली या कर्निया की पैवंदकारी, इस ऑपरेशन से उनकी नज़र बहाल हो सकती है। इसी आलम की जरूरत नहीं, आप उस मखलूक खुदा को देखना कि वो क्या चाह रहा है। इंसान फितरत के ऊपर चलता है, ये फितरत अल्लाह ताला की बनाई है। अब वो अपने लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझेगा ना, वो आपसे वो डिमांड करेगा। देखें, कोई भी काम है उसके मकसद की तरफ जाया जाता है कि उसका मकसद नेक है या वो किसी और फाइनेंशियल गेन के लिए किया जा रहा है। तो अगर मकसद नेक हो, फलाह मकसद हो, लोगों की भलाई मकसद हो, तो उससे हमारा मज़हब कतन हमें नहीं रोकता। तो कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसका वो चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। मैंने आपसे लास्ट टाइम एक चीज़ पेन की मिसाल दी थी कि पेन आप के कुरानी आयत लिखने के काम भी आता है और लोगों को उकसाने के काम भी आता है। तो अगर आप उसको कुरानी आयत को एलेबोरेट करेंगे तो आप एक फलाह की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप उससे उकसाने का काम कर रहे हैं तो आप माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो जो काम डॉक्टर साहब लेके चलना चाह रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अकले कुल नहीं और ना ही उसके ऊपर मेरी कोई राय हतमी है। हर बंदे का अपना एक मौक़िफ़ है। मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ उसमें डॉक्टर साहब उन लोगों को, जो लोग आँखें नहीं रखते, ये उनके कॉर्निया का मेरे हिसाब से कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बैक ट्यूब वाला मामला तो नहीं है, तो एक सामने से कॉर्निया का ऑपरेशन है। तो अगर ये किसी को देखें कि नाबीना बंदा है और अगर वो कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकता, तो अगर ये चीज़ उसको मैसर आ जाएगी और वो कुरान करीम की तिलावत कर सकेगा, कुरान करीम को तिलावत करके फिर उसका मतलब समझ के उस पर अमल पैरा हो सकेगा, तो ये कंट्रीब्यूशन होगा इनका। तो लिहाजा अगर इसका मकसद नेक है कि लोगों को उनकी आंखें मिलें और वो बिनाई की तरफ आएँ, अल्लाह की आप सुभान अल्लाह का लफ्ज़ कैसे अदा करते हैं? आप वैसे तो अदा नहीं करते। आप किसी खूबसूरत वादी को देखेंगे, सुभान अल्लाह आपके मुँह से निकलेगा। किसी अल्लाह की बनाई अच्छी चीज़ को देखेंगे, किसी दरिया को देखेंगे, किसी नदी नाले को देखेंगे, सुभान अल्लाह आपके मुँह से निकलेगा। ये तो महाफिल का हिस्सा है कि ज़बरदस्ती गुलवाया जाता है कि जी उन सुभान अल्लाह हो जन्नत दरख्त लग सी। नहीं, सुभान अल्लाह वो जो दिल से आपके निकले। तो जब आप किसी चीज़ को विटनेस करेंगे तो आपके मुँह से सुभान अल्लाह निकलेगा। तो अगर आप ये कराने में कामयाब हो जाते हैं, जो बंदा अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा था, तो आपने बिज़्निल्लाह अल्लाह ने आपको अता किया, इल्म अता किया, आपने उस इल्म को पॉजिटिव साइड पे लेके आए और एक अच्छी क्रिएशन करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं।